और फ्रेंड्स अभी मैं मौजूद हूँ श्री धाम बरसाना। जी हाँ, देख सकते हैं सामने मारो बरसाना। आज है श्री जी का जन्म उत्सव। जी हाँ, राधा अष्टमी आज, और देख सकते हैं कि आज धूमधाम से राधा अष्टमी मनाई जा रही है बरसाना धाम के अंदर। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दर्शन कराऊंगा श्री जी के महल के। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर, कितने अद्भुत, कितने भाग्यशाली हूँ मैं जो आपको दर्शन करवा रहा हूँ श्री धाम बरसाना धाम से राधा अष्टमी वाले दिन। सभी को राधे राधे फ्रेंड्स। और मैं अभी आ गया हूँ बरसाना धाम, तो अभी चलता हूँ मैं आपको दर्शन कराता हूँ श्री जी के महल के राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर। और मैं आया हूँ इस तरफ से, देख सकते हैं, और ये जो रास्ता नंदगांव की तरफ गया है, और इधर का जो रास्ता, ये वाला रास्ता है, ये आ रहा है गोवर्धन से। तो अभी चल रहा हूँ मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ बरसाना धाम से श्री जी के महल के श्री राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर, श्री जी के जन्मोत्सव पर। देख सकते हैं कितनी धूमधाम से श्री राधा अष्टमी बरसाना में मनाई जा रही है, और खूब भंडारे हो रहे हैं फ्रेंड्स। खूब यात्री आए हुए हैं, खूब भगत आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, देख सकते हैं। और चल रहा मैं भी आपको दर्शन करवाता हूँ श्री जी के महल के, और अभी चलते महल की तरफ। तो फ्रेंड्स चलते चलते कुछ बातें बता देता हूँ राधाष्टमी के बारे में, और राधाष्टमी पर व्रत रखने के भी बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। राधाष्टमी क्या है कि फ्रेंड्स कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है, और बरसाना में फ्रेंड्स राधाष्टमी खूब ही धूमधाम से मनाई जाती है, काफ़ी जोरों शोरों से यहाँ पे अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से बरसाना धाम के अंदर मनाई जाती है। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी खुशियाँ बांटते हैं, काफ़ी भंडारे होते हैं, काफ़ी लाइटिंग होती है, देख सकते हैं आप। और क्या है कि फ्रेंड्स 1081 से भी ज़्यादा फलदायी होता है जो आज के दिन राधाष्टमी के दिन व्रत रखता है, ऐसा मैंने सुना है फ्रेंड्स। और आज के दिन जो भी फ्रेंड्स व्रत रखता है ना, 81 के दिन जो व्रत रखता है, श्री जी की कृपा उस पर काफ़ी बनी रहती है, काफ़ी फल मिलता है आज के दिन व्रत रखने से। और फ्रेंड्स इस व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, और यही एक ऐसा व्रत है जो एकमात्र व्रत ऐसा है जो दिन के 12 बजे खुल जाता है। और व्रत का कुछ टाइमिंग फ्रेंड्स ऐसा है कि 10 सितंबर से इसकी तिथि स्टार्ट होती है, मंगलवार से ही हो गई थी स्टार्ट रात 11 बजे से, 11:11 पर। और समाप्ति की तिथि फ्रेंड्स है इसकी बुधवार 11:46 पर। जी हाँ फ्रेंड्स, बुधवार 11:46 पर 11 तारीख को इस तिथि की समाप्ति है राधाष्टमी की, राधाष्टमी की जो तिथि है। और राधाष्टमी पर व्रत रखने से पहले ही, एक दिन पहले आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दें अगर व्रत रख रहे हैं तो फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूर करें। महिलाएं फ्रेंड्स इस दिन सर जरूर धोएं, राधा अष्टमी वाले दिन जरूर सर धोएं, ये नहीं है कि एक दिन पहले, बताते हैं कुछ ऐसे मैंने भी सुना है कि इस दिन सर जरूर धो लेना चाहिए महिलाओं को। और जो व्रत रखते हैं, मैं पूजा का कुछ हिसाब किताब, पूजा का बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे सुबह के समय फल और दूध का भोग लगता है फ्रेंड्स श्री जी को, और पंच अमृत से स्नान होता है दिन के 12 बजे, और उसके बाद स्नान के बाद श्री जी को नीले कपड़े पहनाए जाते हैं, और उसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग आप लगा सकते हैं, श्री जी की सबसे प्रिय चीज़ है अरबी, अरबी दही और खीर कढ़ी, ये सब काफ़ी प्रिय है श्री जी को। तो कुछ ये बातें थी फ्रेंड्स जो हमें पता थी, मुझे पता थी, और फ्रेंड्स यही सब कुछ बातें थी। और हो सकता है मैंने आपको सब कुछ ना बताया हो तो उसके लिए माफ़ी, पर मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। और चलिए फिर अब आगे की तरफ ले चलता हूँ आपको, चलते हैं श्री जी के महल की ओर। और फ्रेंड्स ये भी एक रास्ता जाता है महल की ओर, और मैं चलूँगा इससे अगले वाले पर, और चलते हैं इससे आगे आगे की तरफ। और देखिए फ्रेंड्स क्या भीड़ हो रही है, क्या रश चल रहा है बरसाना धाम के अंदर। तो चलता हूँ अभी आपको, सीधा मिलता हूँ ऊपर श्री जी के महल पर। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ है बरसाना धाम राधाष्टमी के टाइम पे, और सफ़ेद छतरी को देख सकते हैं कितने बढ़िया से सजाया गया है, लाइटिंग वगैरह से रात को पता लगेगा इसकी लाइटिंग वगैरह की, देख रहे हो फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स क्या भीड़ है, देख सकते हैं कितनी सुंदर दर्शन कर सकते हैं आप राधाष्टमी वाले टाइम, राधाष्टमी के दिन, और क्या सुंदर दर्शन है राधाष्टमी के शुभ अवसर पर। देखिए फ्रेंड्स दर्शन करिए श्री जी के, और फ्रेंड्स कमेंट में जय जय श्री राधे जरूर लिख देना।
और जल्दी जल्दी से आ जाइए फ्रेंड्स और दर्शन करते जाइए श्री धाम बरसाना से। और फ्रेंड्स अभी क्या है कि पीछे देख सकते हैं, पीछे जो है बांस लगा दिए गए हैं जहाँ से पूरा बरसाना धाम नज़र आता था। अभी वहाँ जाने के लिए कोई परमिशन नहीं, कोई एंट्री नहीं है, अभी वो रास्ता बंद किया हुआ है। और सीधा अपना दर्शन करिए और बाहर निकल जाइए ताकि भीड़ अपना नियंत्रण में रहे। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए फ्रेंड्स राधाष्टमी के शुभ अवसर पर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और जब तक के लिए जय जय श्री राधे।